नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में भरोसे की यात्रा की शुरुआत आज 2 अक्टूबर के दिन हो गई। इस मौके पर आम नथुपुरा के मोटरसाइकिल से शुरुआत की गई, जहां हजारों की संख्या में कांग्रेसी बाइक से इसमें शामिल हुए। इस यात्रा का समापन शाम को दहशहरा मैदान में रुआ बांधा बस्ती पंथी चौक पर किया जाएगा। यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो कांग्रेस के द्वारा ये यात्रा निकाली गई है, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज मौजूद रहे। बता दें कि इस यात्रा भरोसे की यात्रा की शुरुआत कर आज शाम को इसका समापन किया जाएगा, जिसमें बाइक के जरिए भारी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। और अगली खबर की बात करेंगे। जिस तरह से यहां यात्रा की हम बात कर रहे थे, इस यात्रा में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बाइक से इसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे, जिसके माध्यम से इस रैली को शुरुआत की गई थी। सुबह आज इस रैली की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद शाम को इस रैली का समापन किया जाएगा। लगातार आपको बता दें कि भारी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए, जिसके बाद लगातार रैली में कांग्रेस के साथ ही साथ भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद बात करेंगे दुर्ग विधानसभा में कांग्रेस की भरोसे की यात्रा की, और इसके साथ ही साथ लगातार हम इस यात्रा की जानकारी आपको दे रहे हैं। भारी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता आज इस रैली में शामिल हुए। सुबह इस रैली की शुरुआत की गई थी और शाम तक इस रैली का समापन किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। बात करेंगे अगली खबर की। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर समाज कल्याण विभाग की तरफ से रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरदार बलवीर सिंह जुनेदा इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। इस दौरान अंतर्राज्यीय वृद्धजन दिवस के मौके पर दिव्यांग महाविद्यालय रायपुर से बच्चों की तरफ से शानदार देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। अवस्था आप कह सकते हैं, जीवन के तीन अवस्थाएं, बाल्यकाल किशोरावस्था आप कह सकते हैं, दूसरा युवावस्था या अधेड़ तक के उसको आप जोड़ सकते हैं, और तीसरा फिर वृद्धावस्था। ये तीन अवस्थाएं जीवन की होती है, और बाल्यावस्था और युवावस्था में हम सब देश, दुनिया, समाज, ज्ञान विज्ञान सबको जानने समझने, विद्या अर्जित करने, अनुभव, ये सब हम लोग संकलित करते हैं। और वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था जिसमें आपके पास अनुभव है, आपके पास ज्ञान है। पाटन विधानसभा के सबसे बड़े ग्राम सैलुत के हाईस्कूल मैदान से कांग्रेस के भरोसे की यात्रा की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इसके साथ ही साथ भारी संख्या में यहां पर कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इससे पहले आपको बता दें कि शुरुआत इस यात्रा की आज सुबह की गई थी, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बाइक के माध्यम से इस रैली में पहुंचे थे। कई बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इस बाइक रैली में सवार हुए, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इसी बीच सीएम लाइव पाटन से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नेतृत्व में लाखों लाख भारतवासियों ने उनका साथ दिया, और जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था उसे देश छोड़ के भागना पड़ा। महात्मा गांधी ने न केवल देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है। एक तरफ महिलाओं को सम्मान, उनको अधिकार दिलाने, उनको शिक्षा दिलाने का काम,
महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। वहीं जो मेहनत करने वाले लोग हैं, श्रम करने वाले लोग हैं, उनका भी सम्मान महात्मा गांधी ने किया। जो किसान हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए। जो सफाई कर्मी हैं, उसको सम्मान मिलना चाहिए। और जो बुनकर हैं, जो सूत काटते हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। और उस सूत काटने वाले की जो चरखा है, उसे आजादी के लड़ाई का प्रतीक उन्होंने बना दिया, चरखा। तो श्रम का, मेहनत का सम्मान गांधी जी ने किया। महिला अपने सर पे ढोते थे, झाड़ू अपने हाथ से लगाते थे, किसानों के साथ मिलकर काम करते थे, उसका आंदोलन करते थे। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात कही। उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान में 7 लाख जो गांव हैं, जब तक के स्वावलंबी नहीं बनेंगे, तब तक के असली आजादी नहीं मिलेगी। और उसके लिए उन्होंने योजना बनाई, कार्यक्रम दिए। कितने नेताओं ने उसके रास्ते पे चलते हुए समाज सुधार, आर्थिक सुधार, भूमि सुधार, कितनी योजनाएं उन्होंने चालू की। आज हम उन्हें याद करते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर विधानसभा में विशेष सत्र हमने आमंत्रित किया और उसी दिन फैसला किया कि पाटन के सांकरा गांव में महात्मा गांधी के नाम से हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी प्रारंभ करने। उसी दिन हम लोगों ने 5 फैसले किए जिसमें कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई भी बच्चा कुपोषित ना हो, कोई भी महिलाएं कमजोर ना हो। प्रदेश में पहले कुष्ठ उन्मूलन का अभियान चला था, हम लोग मलेरिया उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा में सबका अधिकार होना चाहिए। आज हमारे गांव में जितने स्कूल है उसका संधारण करने का काम, और साथ ही हमारे गरीब के बच्चे, किसान के बेटे, उनकी बेटियां भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई करे, निःशुल्क शिक्षा। आज हमारे किसान के आर्थिक स्थिति में सुधार, तो ऋण माफी भी किया, नहर भरना भी माफ किया। 2500 क्विंटल में खरीदी का वादा था, अब तो 2640 रुपए में। 1 नवंबर को किस्त मिलने वाला था, हमने अभी 28 तारीख को खड़गे साहब आए, उनके हाथ से बटन दबवाए और सब किसानों के खाते में 24,50,000 किसानों के खाते में पैसा गया सीधा। किसानों का आर्थिक स्थिति सुधार, अब तो हम लोगों ने 20 क्विंटल लेने का फैसला किया। 5 साल में छत्तीसगढ़ में अकाल, दुकाल या दुष्काल का सामना नहीं करना पड़ा। सब तरफ अन्नदाता जहां देखो प्रसन्न है, खेत हरे भरे हैं, फसल भरपूर है, किसानों को दाम मिल रहा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का किस्त मिल रहा है। ऐसी स्थिति देश में किसी राज्य में नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ में। अब ये लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी आए थे, झूठ परोस के गए, चले गए कि धान हम लोग खरीदते हैं। धान खरीदी केंद्र किसने खोला? राज्य सरकार ने। सोसाइटियों में वृद्धि किसने की? राज्य सरकार ने। 20 क्विंटल लेने का फैसला किसने किया? तो आज जब चुनाव आया
तब ये कह रहे हैं कि पैसा हम देते हैं और उसके पहले यही रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। अरे नहीं नहीं, गाली ले नहीं, गाली देने की हमारी परंपरा नहीं है। जब डबल इंजन की सरकार थी, आपको याद होगा 2014 में इन्होंने फैसला किया कि 15 क्विंटल के जगह 10 क्विंटल खरीदी होगी, किया था कि नहीं किया था? तो डबल इंजन के सरकार में 10 क्विंटल कैसे हो गया? और डबल इंजन की सरकार थी तो 300 रुपया बोनस चुनाव के समय क्यों मिलता था, बचत समय क्यों नहीं मिलता था? मैं तो कल ही पत्र लिखा हूं प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने बोनस देने के लिए मना किया है, किसानों को बोनस नहीं देना है। हमने कहा बोनस की अनुमति दो, दो साल रमन सरकार नहीं दिया है बोनस का पैसा, वो पैसा भी हम किसानों को देंगे, अनुमति भर दो, दे दो अनुमति दे दे वो, क्योंकि रोक उन्होंने लगाई है। यदि धान खरीदने की बात वो कहते हैं तो एफसीआई से आदेश कर दे, छत्तीसगढ़ के किसान का धान एक एक दाना एफसीआई के माध्यम से खरीदी करेंगे, जैसे पंजाब में करते हैं वैसे छत्तीसगढ़ में करने की घोषणा करें, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसी बात उनकी नहीं है। पानी गिरा थे किसान के लड़का, कोई ढेला थोड़े थे हम घूर जाऊ, कोनो टस मत नहीं होना, यहाँ पाटन तक के जाना है, गांडाडी रानी तरह सेलू, सेलू से गांडाडी जामगांव रानी तरह सब चलना है। गरीब मन भर जन काम करे, पहली तो राशन कार्ड बने चुनाव पहली और चुनाव बाद कट जाए। हमार सरकार में 20 लाख नवा राशन कार्ड बनाए, सब लोग 35 किलो चावल, अभी 73 लाख राशन कार्ड है, सब लोग 35 किलो चावल नमक शक्कर सब हम उपलब्ध करा सक, ओकरे साथ बिजली बिल हाफ योजना के लाभ 4000 करोड़ रुपया, राशन में सब्सिडी मिला थे 14000 करोड़ रुपया, ओकरे साथ साथ आवाज भर खूब हल्ला करतरी से अभी राहुल गांधी जी आ रही बिलासपुर में 7 लाख आवाज भर पैसा वो दिन जारी करें, 7 लाख केंद्र सरकार पैसा देवत नहीं है, प्रधानमंत्री आवास के पैसे नाम प्रधानमंत्री के है और देवत कौन है? मुख्यमंत्री देवत। अभी जब का पैसा खत्म के है सब मुख्यमंत्री देश राज्य सरकार दे, और 2011 के जनगणना के आधार पे मिला थे हम के 2021 के जनगणना कराए रितेश और गरीब आदमी मल्ला मिलते, लेकिन नहीं कराए भारत सरकार। हम आर्थिक सर्वेक्षण कराए और जिन 47000 जेकर कर घरे नहीं रही से ओकरो पहली किस्त पैसा जारी कर दे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप लोग बताना चाहता हूं कि आर्थिक सर्वेक्षण में 10 लाख परिवार है जिला आवास के जरूरत है, केंद्र सरकार पैसा दे या मत दे, छत्तीसगढ़ सरकार वो 10 लाख परिवार ला क्रमबद्ध ढंग से आवास के पैसा दी 10 लाख, कोनो नहीं छूटा है, सब ला देबो हम। हाँ जी, काका अभी हाँ गुजरात के मॉडल है जो नफरत के बाजार खोल के रखे, ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार है, कांग्रेस मॉडल है जिन मोहब्बत के दुकान खोले। आज चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गाय गरवा हो, ओकरो ध्यान हमार सरकार गौठान मन में कतेकन काम करत है,
2 लाख महिला मन काम करत हे। अभी रीपा खोलेन, 300 खोलेन, बहुत अगर नौजवान साथी मन महिला मन काम मिलत हे। आगे वो बढ़ाना है बोला, हजारों के संख्या में रीपा हमन खोलबो ताकि गांव में ही रोजगार मिल सके और जिन उत्पादित सामान है तेकर बेचे की व्यवस्था करबो। देश में ऐसा कोनो जगह नहीं है जिन छत्तीसगढ़ में है। तो रोजगार भी दिलाए के काम, अभी नौकरी दे के काम हमन करें। पीएससी घोटाला बड़ा चर्चा करा, 18 जन अधिकारी मन 42,000 भर्ती करा था, 18 जन की शिकायत करे वो अधिकारी मन के लेकर है, काकर लेकर है, वो पिछड़े वर्ग कह रहे, वो अनुसूचित जाति के लिए कह रहे, वो जनजाति के लिए कह रहे, एक अरमन की शिकायत करे। और शिकायत करे तो मैं कहा था भैया का गड़बड़ी है, तेला तो दे, 2 महीना हो गए मतलब कहा, 3 महीना हो गए, लेकिन आज तक के मन एक तक शिकायत मुल दे नहीं है। मैं ये मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी पढ़िया लड़का है जिन परीक्षार्थी है ओकर हक मारे नहीं जाए, यदि शिकायत दी 15 दिन के भीतर में जांच कराबो और जेन भी दोषी है ओकर खिलाफ कार्रवाई करबो। हमर सरकार जिन पीएससी के फीस माफ करे, हमर सरकार जिन व्यापम के फीस माफ करे, करोड़ों रुपया के लाभ, बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया महीना हमन देथन, मजदूर मतलब 7,000 रुपया सालाना हमन देथन, तो सब घर में पैसा पहुंचाए, सबके घर में अंजोर पहुंचाए, ये हमर मन के प्रयास। समीज का चलबो, चलना है, चलो सब मोटरसाइकिल लाइन से लगाओ, लाइन से लगाओ मोटरसाइकिल। आज भरोसा के सम्मेलन, भरोसा की यात्रा, आज ये मंच में आदरणीय हमर भाई महेंद्र वर्मा जी, भाई असोनी साहू जी, जवाहर वर्मा जी, राजेश ठाकुर जी, दिनेश टंडन जी, संजय यदु जी, जागित्री साहू जी, तालिक साहू जी, मोनू साहू जी, राजेंद्र साहू जी। तो आप छत्तीसगढ़ से सुन पा रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जो लगातार जनता को संबोधित कर रहे थे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की, जगदलपुर से खबर है। जगदलपुर विधायक रेख चंद जैन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। जगदलपुर विकासखंड के 29, बस्तर 72, फंकावट 29, दरभा 23, लोकपाल 22, इस तरह के सामान्य वर्ग के 12, पिछड़े वर्ग के 80, अनुसूचित जाति के 8 और अनुसूचित जनजाति के 131 लोगों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, जिसको लेकर रेखचंद जैन ने कहा है कि सीएम कहते हैं कि आज पूरे प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों में हर्ष व्याप्त है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 3 अक्टूबर को जगदलपुर के लालबाग में हो रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को कार्य बांटा गया है। और इसी के तहत जगदलपुर के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को जगदलपुर में झंडा बांधकर सजाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे वह कर्मचारियों के साथ बड़ी लगन के साथ और जिम्मेदारी के साथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। जगदलपुर के केशकाल विधानसभा के तहत विश्रामपुरी में कांग्रेस का विधानसभा स्तरीय संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पीसीसी चीफ और बस्तर सांसद दीपक बैज शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी और महामंत्री रवि घोष भी मौजूद रहे, जहां दीपक बैज ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और विचारधारा के साथ निष्ठापूर्वक काम करते हुए पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने का संकल्प दिलवाया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।